अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको मौसमी मकई पर कुछ जानकारी देंगे कि मौसमी मकई जो होती है, इसकी जो ज़मीन की तैयारी होती है वो कैसे करनी है और उसके जो काश्त होती है वो कैसे करनी है, आपको सब जो डिटेल बताते हैं। देखें, जो ज़मीन पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी ज़मीन की तैयारी है वो बहुत बेहतरीन करनी चाहिए, जो उसकी मिट्टी है वो भरगी होनी चाहिए, और जो ज़मीन की तैयारी के वक्त उसके अंदर पोटाश जो होती है, MOP या SOP, उन दोनों में से जो आपका दिल करे लेके उसको ज़मीन के अंदर छटा कर दें, और उसके बाद फिर उसके ऊपर खेले निकाल लें। खेले निकालने के बाद जैसे आप पहले पानी लगाते हैं, चोपा लगाते हैं, तो चोपा लगाते हुए जो एक चोपे जो लगाते हैं उसका जो एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान का जो वक्फा होता है, गैप होता है, वो तकरीबन 1 फुट का देना है। जितना ज़्यादा गैप होगा आपकी जो मक्की है उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, आपकी जो मक्की का सिट्टा है वो भी बड़ा होगा, दाने का साइज़ भी अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो आप DAP भी, वो भी ज़मीन की तैयारी के अंदर भी आप दे सकते हैं। अगर ना देना चाहें तो आप जैसा कि पानी लगाते हैं, जैसे जो आपकी फसल होती है जब बीज बाहर पौधा यानी उगना शुरू हो जाता है, तो तब आप उसको DAP इस्तेमाल कर सकते हैं, तब इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके साथ आपको यूरिया भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जब दूसरा पानी लगाएं DAP के फौरन बाद, जो दूसरा पानी लगाते हैं DAP के बाद, उस वक्त आप यूरिया एक बोरी दें और उसके साथ सल्फर दें, ताकि जो आपकी फसल है वो हरी भरी हो जाए, रंग लाए, खुश हो जाए और हरियाली नज़र आए। और आपको जो डिफरेंट स्प्रे हैं वो भी करनी है। और उसके बाद ये जो फसल होती है, ये तकरीबन 90 से 105 दिन की फसल होती है। कुछ बीज होते हैं जो जमीन 90 दिन में तैयार होते हैं, और कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो मिनिमम 105 दिन लेती हैं, ठीक है। और जो बीज हैं, जो वैरायटी हैं, वो ज़्यादातर जो बेस्टर जो एवरेज देने वाली बीज हैं वो ज़्यादातर डिकालिब हैं, या पेनियर का 40-40 हो जाता है, 30-87 है, 17-14 है, और इसके अलावा जो डिकालिब के हैं वो 17-14 और 81-48, 70-24, और ये नेम है। इनमें से जो वैरायटी आपका दिल करे काश्त कर सकते हैं। जो पैनियर, जहाँ पर आपने गंदम काश्त करनी है, जहाँ पर आपने देखें कि हमारी फसल जल्दी पक जाए, उसकी जो काश्त होती है वो तकरीबन 7वें महीने की 20 तारीख से 15 से 20 तारीख तक आप जल्दी काश्त करेंगे, ताकि आपकी जो फसल है वो ज़्यादा जल्दी पक जाए। और जो जल्दी काश्त करेंगे फसल, वहाँ पर जो आपने बीज इस्तेमाल करना है वो पैनियर का ज़्यादा बेहतरीन होता है, जो ज़्यादा जल्दी काश्त करते हैं, ताकि आपकी फसल ज़्यादा जल्दी तैयार हो और आप वहाँ पर गंदम काश्त कर सकें। वहाँ पर गंदम ही काश्त कर सकते हैं, और उसके अलावा और भी फसल काश्त कर सकते हैं, जैसा कि वो जवा होता है वो काश्त कर सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर आप बिनौला भी काश्त कर सकते हैं। हाँ, जिस फसल पर जिस मक्की और जो आप पिछेतरी मक्की यानी कि पिछेती मक्की काश्त करना चाहते हैं, वहाँ डिकालिब का बीज का इस्तेमाल करें, और उसकी जो एवरेज होती है वो 100+ होती है। और उस जो पिछेती बीज होते हैं उस पर जो आप एवरेज लेना चाहते हैं, उस जो पिछेती मक्की के ऊपर फिर आप दूसरी मक्की काश्त कर सकेंगे, उस पर गंदम काश्त नहीं कर सकते। तो आज हम आपको यही वीडियो और यही जानकारी देनी थी, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप बेल आइकन पर और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे, मालूमात मिलते रहे। और वस्सलाम।